राम 6,000 से ज्यादा साल पहले हुए थे। उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, दक्षिण भारत में इस पर काफी चर्चा होती है, उत्तर भारत में इन चीजों पर चर्चा नहीं होती। वो बस उनकी पूजा करते हैं, दक्षिण भारत उन पर कुछ चर्चाएं करता है। लेकिन 6,000 साल पुराना आइकॉन, जिन्होंने लोगों को पवित्रता की दिशा में, सच्चाई की दिशा में और आपस में करुणा रखने की दिशा में प्रेरित किया है, वो भी हजारों पीढ़ियों को, आपको इस आइकॉन से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऐतिहासिक रूप से क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि वास्तविकता तो कोई भी नहीं जानता। हर कोई बस वही सामान्य कहानी जानता है कि वो कहां गए, क्या हुआ, उनके जीवन में क्या घटनाएं हुई थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा क्यों किया। आप इसका विश्लेषण नहीं कर सकते, आप उनके मनोरोग चिकित्सक नहीं। मैं यूथ एंड ट्रूथ अभियान के किसी कार्यक्रम में था और कोई कह रहा था उनमें असुरक्षा का भाव था। मैंने कहा, आप उनके मनोरोग चिकित्सक नहीं हैं। 6,000 साल पहले वो इंसान सुरक्षित था या असुरक्षित, आपको कैसे पता? ये बकवास है। लेकिन वो एक आइकॉन है जिन्होंने पीढ़ियों तक लाखों लोगों को प्रेरित किया है। आपको उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मानवता को ऐसे आइकॉन की जरूरत है। आप राम को ले सकते हैं, कृष्ण को ले सकते हैं, जीसस को ले सकते हैं, बुद्ध को ले सकते हैं और उनकी कमियां निकाल सकते हैं और आज कह सकते हैं, देखिए उन्होंने ये किया, ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, वो जातिवाद करते थे, ऐसे वैसे, ये बकवास है। ऐसी चर्चा उनके बारे में उचित है जो आज दुनिया में मौजूद है। वो 6,000 साल पहले थे, आप उन पर अब फैसला सुनाना चाहते हैं? नहीं, वो मानवता की मदद कर रहे हैं एक आइकॉन के रूप में। आपको इस आइकॉन से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो किस बात के आइकॉन है? वो स्थिरता के आइकॉन है। वो जल्दबाजी में कदम नहीं उठाते, जब कदम उठाना होता है तो वो निर्णायक कदम उठाते हैं, लेकिन किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। वो सचेतन होकर काम करते हैं। युद्ध हो तो वो युद्ध करेंगे और समर्पण करना हो तो समर्पण, राज्य छोड़ना हो तो राज्य छोड़ देंगे, लेकिन सब कुछ चेतना में और संतुलित तरीके से। इसी वजह से आज हम उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनमें आजादी है जीवन के नाटक से गुजरने की। उनके जीवन में हद से ज्यादा नाटक है, लेकिन वो उससे सहजता से गुजरते हैं, वो भी बिना किसी प्रतिक्रिया के, वो बिना किसी के प्रति क्रोध की भावना से उस नाटक से गुजरते हैं। जब उन्होंने रावण को मारा, जिसने उनकी पत्नी को चुराया था और तबाही मचाई थी, वो उसकी भी मृत्यु पर पश्चाताप करते हैं।